Audio Jungle. छोले, जिसके लिए 300 ग्राम छोले मैंने 5 घंटे भिगो कर रखे हुए हैं। और इसमें हम डालेंगे, ये छोटे बे लीव हैं, 4 लिए हैं मैंने। 1/2 टेबल स्पून आंवला पाउडर है, आंवला सूखे हों तो वो भी डाल सकते हैं, मेरे पास पाउडर है, मैं पाउडर डाल रही हूँ। 4 से 5 गोल मिर्च है, 4 लौंग है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा है, 1/2 टेबल स्पून नमक है। ये सब हम कुकर में, मैंने 2 गिलास पानी डाल के रखा हुआ है, इन्हें डाल देंगे। और ये गलने तक हम इन्हें छोलों को 4 सीटी लगाकर उबाल लेंगे। इसके हमारे छोले उबल रहे हैं, हम भटूरे का आटा लगा के रख देते हैं। इसके लिए हमने लिया है 400 ग्राम मैदा है, और ये 4 टेबल स्पून सूजी है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून चीनी है और 1/2 टेबल स्पून नमक है। और हमने ये सोडा वाटर लिया है, अच्छे से मिला लेंगे। सोडे से हम आटा लगाएंगे। आटा हमारा एकदम सॉफ्ट हो गया है, इसको हम रख देते हैं साइड ढक के। और सोडा भी हमारा आधा ही लगा है, पूरा नहीं लगा, वैसे आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ते हैं। आटा हमने लगा के रख दिया है, अब हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। हमने एक कढ़ाई में 100 ग्राम के करीब ऑयल डाला है, इसमें हमने 1 कटी हुई प्याज है मीडियम साइज़ की, वो इसमें डाल देंगे। प्याज हमारी हो गई है हल्की ब्राउन सी, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये हमारा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे इसमें डाल देंगे। और इसे भूलेंगे 2 मिनट। ये हमारा हो गया है अदरक लहसुन का पेस्ट, अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर है, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, ये डालेंगे। इसको भी भून लेंगे हम 1 मिनट। अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ का हमने टमाटर छिलका उतार के चॉप किया है, इसको डालेंगे। टमाटर गलने तक इसको भूनेंगे अच्छे से। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डाल देंगे, या स्वाद के अनुसार, हमने छोले में भी नमक डाला हुआ है। और 1 हरी मिर्च है कटी हुई, ये भी डाल देंगे। दो टेबल स्पून दही है, इसको भी डाल देंगे। इसको मीडियम कर लेंगे, तब दही डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अच्छे से भून ली है हमारी, हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और भूनेंगे, ताकि हमारे सारे मसालों की कच्चापन निकल जाए। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है, इसमें 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून आम पाउडर है, ये भी डालेंगे। और ये 2 टेबल स्पून हमने छोले का मसाला, ये भी इसमें डाल देंगे।
बस 1 मिनट इसको ही भूनेंगे। इसने ये भून रहा है। दूसरे गैस पे हमने ऑयल रखा हुआ है, फुल गर्म है। ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको हमने हाफ बॉईल करके छील के कट कर लिया है। इनको हम फ्राई करेंगे। हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे हम। मसाले जल ना जाए हम थोड़ा सा पानी डालते हैं इसमें। आलू हो गए हमारे, निकाल लेंगे। छोले हमारे तैयार हैं बिल्कुल। हमने इसमें से कोई भी गरम मसाला बाहर नहीं निकाला है और ये हम इसमें डाल देंगे। और ये आलू भी हम इसमें डाल देंगे। देखिए अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको 7 से 8 मिनट तक ढककर मीडियम लो हीट पर पकाएंगे। छोले हमारे इतने हो रहे हैं मीडियम हीट पे, इतने हम आटा देख लेते हैं। आटा भी बिल्कुल तैयार है हमारा। अब हम इसकी हाथ पे थोड़ा ऑयल लगाएंगे और मीडियम साइज की ही लोइया बना के सब तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको भूनेंगे और तलेंगे। इधर हमारे छोले भी तैयार हो गए हैं, हम इसको हीट पे कर देते हैं। और एक कढ़ाई में हमने ऑयल रखा है, गरम हो रहा है, तो हम अपने ऑयल लगाएंगे चकले पे। एक पेड़ा उठाएंगे